हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है हमारी, जो गौड़ीय मठ, जो गौड़ीय वेदांत समिति है, क्योंकि ये समिति का जो प्रतिष्ठाता है, जिन्होंने ये गौड़ीय वेदांत समिति को स्थापन किया, आज उनकी आविर्भाव तिथि है। आज का दिन उन्होंने जगत में अवतीर्ण हुए, इसलिए आज हम इनको विषय गोबर में कुछ कुछ कथा सुनेंगे। आए कौन थे और जगत में आकर उन्होंने क्या क्या काम किया है, आज इसी विषय पर हम लोग कुछ कुछ कथा सुनेंगे। कभी ये लोग है, ये कहाँ जन्म हुए हैं, कभी इनका जो जन्म है, कभी एक पूर्व बंगाल एक स्थान है, कभी वहीं पर ये महापुरुष ने जन्म ग्रहण किया। कहते पूर्व बंगाल क्या है, कहते जो श्री चैतन्य महाप्रभु हो, पहले तो ये भारत में था, अभी अलग हो गया। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु कभी उन्होंने ये पूर्व बंगाल में श्री गए, इसलिए महाप्रभु के बड़े बड़े भक्त लोग वहीं पर जन्म ग्रहण किए। बोले क्यों जन्म ग्रहण किए, इसका क्या कारण है। कहते जब चैतन्य महाप्रभु ये जगत छोड़कर गए, वहां पर एक नदी है जिसका नाम पद्मा नदी, कदम विशाल नदी है। कदम महाप्रभु जाते समय वो नदी को बोल कर बोले नदी भक्ति और प्रेम को मैं रख करके जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद में एक बहुत बड़ा संत जन्म लेगा, वो संतों को ये प्रेम तुम दे देना। नदी कहती है कदम प्रभु मेरे को कैसे पता चलेगा, वो संत है, आप जिनके लिए ये प्रेम मेरे पास में रख करके जा रहे हो, हमें पता कैसे चलेगा ये महापुरुष है। वो इतने बड़े संत हैं, जब उसका चरण केवल तुम्हारी पानी को स्पर्श कर लेगा, अपने आप तुम्हारे हृदय प्रेम में उफरना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे हृदय प्रेम में गदगद हो जाएगा, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएगी, इतने बड़े संत है। फिर तुम समझ लेना ये वही संत है। जब वो महापुरुष सचमुच से आए, जब केवल उनका चरण केवल पानी को स्पर्श किया, सचमुच से उसका हृदय प्रेम में गदगद होने लग गया, उसका हृदय प्रेम उफरने लग गया, और पानी जब उफरने अपने आप पानी उफरने लग गया, उसी समय में एक हवा बही। वो हवा क्या हुई, वो पानी को स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते हुए वो जिधर वो हवा चली गई, जिधर वो हवा में ही इतने बड़े बड़े महाप्रभु का संत जन्म हुए। आप लोग नाम सुने होंगे पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि जो श्री वृषभानु महाराज जो राधा रानी के जो पिताजी थे, उनका जन्म उस तरफ में जन्म है। और महाप्रभु का बहुत सारे भक्त लोग हुए हैं जो उसी तरफ में जन्म हुए, जो मेरे गुरुदेव उस तरफ में जन्म हुए, बामन गोस्वामी महाराज उस तरफ में, भक्ति केवल औडली महाराज उस तरफ में, माधव महाराज उस तरफ में जो प्रभुपाद का आश्रित है। कभी जो बड़े बड़े संत लोग आए ना, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उस तरफ से, क्योंकि उधर ही वो हवा बहते हुए केवल उस तरफ में चली गई, तो बड़े बड़े संत महापुरुष जन्म ग्रहण किए। कभी आज जिनकी जन्म तिथि है, कभी ये महापुरुष बहुत जमींदार घर के थे, बहुत जमींदार घर के, लेकिन जन्म होने से कुछ दिन बाद में इनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। जब इनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिए, अभी घर का जो जमींदारी इनके माँ ही देखभाल जमींदार करती थी, और मरिया बड़ी स्ट्रिक्ट है। इसलिए आप लोगों को बता दो, पुराना लोग है, देखना शाम हो जाए तो पिता माता का ये नियम था, शाम होने से पहले घर में आ जाना, बेटी हो बेटा हो किसी को भी शाम होने से पहले घर में, सबको पिता माता बोलते थे जो कुछ करना शाम होने से पहले, शाम होते ही तुम घर में वापस आ जाना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये शाम हो गया, मैया बरिष्ठी थी, शाम हो गया, जब शाम हो गया अभी ये आया नहीं, जब आया नहीं भैया तो बड़ा क्रोध, अब लोगों को पहले पता होगा पिता माता कितने स्ट्रिक होते थे, अगर कुछ उल्टा पुलटा करना पिटाई करते थे,
कोई पिता माता किसको पूजा की, किसको किसको पूजा की, हाथ उठा, बचपन में पूजा की ना, इसलिए सबको पिता माता ने पूजा की, इसलिए पिता माता सबको शासन करते थे, कुछ अगर इधर उधर हो जाए हैं, इसलिए अभी भैया थोड़ा क्रोध आ गया, अभी रात हो गया, अभी नहीं आया, अभी रात हो गया, अभी नहीं आया, भैया तो लठिया लेकर दरवाजे के सामने बैठे थे, आज आएगी तो अच्छे तरह से उसको मैं पूजा करूँ, लेकिन देखो क्या हुआ, देर क्यों हुई, कहते जब जैसे पिता माता हाथ खर्च करने के लिए देते थे, इन लोगों ने क्या किया, एक उन्होंने सोसाइटी बनाई, क्या सोसाइटी, कहते जो व्यक्ति पिता माता जिस जो वृद्ध हो गए, जिनको कोई देखने वाला है नहीं, उनका परिवार में कोई बेटा नहीं बेटी नहीं, बा जो निसहाय है और खाना नहीं मिल रहा है, अगर कोई वृद्ध अवस्था में कोई बीमार पड़ जाए जिसको कोई देखने वाले नहीं, तो उन लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, पिता माता उनको जो हाथ खर्चा देते थे उस पैसा को वो बच्चे लोग अपना हाथ खर्चा नहीं करते थे, बच्चे लोग वो पैसा को जमा करते थे, कहते हमें जो पिता माता पैसा देते हैं पैसा को हम खर्चा नहीं करेंगे, हम उसे सोसाइटी में जमा करेंगे, जो दुखी दरिद्र हैं जो पीड़ित है हम उनकी सेवा करेंगे। इसी भाव से एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी माता जी थी जिसकी पति नहीं बेटे नहीं जिनकी उनको है ही नहीं, अभी उसका हो गया कलेरा, अभी उनका परिवार में कोई है ही नहीं, उनको कौन देखेगा, तब इन्होंने क्या किया, उनको हॉस्पिटल में लेकर गए और उसको एडमिट किया, उसको भोजन दिया, हमको अच्छे तरह से ट्रीटमेंट किया, इसलिए करते 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 हो गया शाम, शाम हो गया तो इसलिए इनको क्या हो गया, लेट हो गया, इनको हो गया लेट, वो नहीं चाहते थे लेट करना लेकिन इसी वजह से लेट हो गए, जब वो आए हैं, जब आए भैया तो लठिया लेकर बाहर तक कर दो, बाहर बैठे मजा से खाऊंगी, जब आए तो माता जी ने पूछा, इनका बचपन का नाम था जोना है, क्या नाम था जोना, बोले जोना नाम क्यों था, कारण क्या है, जब वे जन्म हुए ना वो इतने, अब जोना जानते हो, जोना एक कीड़े होता है जो रात में घूमता है जो शरीर में लाइट निकलता है, जुगनू, तो क्या बोलते हो, जुगनू, जुगनू, और उधर जुगनू को उन्होंने वो जन्म जिस समय हुए उसी समय में बड़े तेज इनका शरीर था, एकदम सुंदर शरीर था, इसलिए उनको बचपन में नाम रख दिया जोना, नाम रख दिया था, इसलिए बोले जोना बताओ अभी तक तुमने क्या करना था, क्यों नहीं आया था, लठिया लेकर बड़ी काम नहीं है, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, सब ने घटना सुना, बोली माँ तुमने जो हमें हाथ खर्चा देती पैसा देती हो, हम वो पैसा को हाथ खर्चा नहीं करते, हम लोगों ने एक फंड बनाया है, कमेटी बनाया, वो पैसा को हम जमा करते हैं, अगर कोई दुखी दरिद्र हो, जो निसहारा हो, कोई देखने वाले नहीं हो, अगर कोई दुख कष्ट हो, वो पैसा को फिर हम वहीं पर पैसा लगाते हैं, आज एक मैया, एक बूढ़ी मैया जिसका कोई भी पति नहीं, कोई उनकी बच्चे नहीं देखने वाले, उसको हो गया कलेरा, अब इसको कौन देखेगा, इसलिए हम लोग हमें हाथ खर्चा नहीं देते, वो पैसा को गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल छब्बीस लक्षण है, कितना लक्षण है, छोटी सी छब्बीस वैष्णव का लक्षण है, कहते छब्बीस लक्षण में संतों का जो सबसे पहला लक्षण क्या है, बोला सबसे पहला लक्षण क्या है, कृपालु दया, हां संतों का कितना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी नहीं पर कहीं नहीं जाना,
संतों का हृदय कैसे है, कहते नवनीत मतलब मक्खन जैसे है। लेकिन उदाहरण तो दिया है मक्खन को साथ में, लेकिन कहते ये पूरा नहीं। बोले क्यों? बोले ये मक्खन कब पिघलती है? जब गर्म पानी, जब सूर्य का किरण ताप पाने पर फिर ये मक्खन पिघलती है। लेकिन संतों का हृदय, संतों का हृदय बोले परल, एक दिन जब उन्होंने गुरु जी के पास में आए, प्रभुपाद के पास में, तो इन्होंने किया, इन्होंने मठ का इंचार्ज करते थे, देखभाल यही करते थे। एक बार किया हुआ जमीन का जो खेती में फूल गोभी, जैसे ठंडी का समय बंद गोभी, वहां पर कुछ साग सब्जी लगा था, हाँ साग सब्जी लगा हुआ था। तो एक बार कोई एक चोर चोरी करने आया, अभी पकड़ा गया। अगर कोई चोरी अगर पकड़ा दे फिर क्या करोगे? उसको अच्छे तरह से धुलाई करते हैं, हैं? धुलाई करते हैं। लेकिन ये महापुरुष ने क्या किया, जब दूसरे दूसरे ब्रह्मचारियों ने पकड़ लिया, अभी उसको मारने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला भैया उसको मारना नहीं। इन्होंने क्या किया, और कुछ फूल को भी बंधक भी खेती से लेकर के अच्छे तरह से झोली में भर करके उसको ले गया। लोगों ने बोला भैया ये क्या तुमने किया, ये चोरी कर रहा था उसको पकड़ा गया, हम सोच रहे थे अच्छे तरह से पिटाई करते, ठाकुर का चीज चोरी कर रहा था, अब तो और भी उसको झोली भर दिया। जब झोली भर कर दे दिया, बोले ऐसे क्यों किया? देखो क्या कहते हैं, बोले वो क्यों चोरी कर रहा था, अभाव में था तभी तो चोरी कर रहा था, अभाव से स्वभाव बिगड़ जाता है, अभाव में पड़ा था तभी तो चोरी कर रहा था ना, इसलिए अभाव नहीं होता तो वो कभी चोरी नहीं करता। लेकिन जब उन्होंने और कुछ बंद गई फूल कभी साग सब्जी उसको दे दिया ना, उसका तो दिल एकदम पिघल गया। उसने इनको चरण में गिर पड़े, कहा मेरी पिटाई होने का थी और इन्होंने मेरे झोली भर करके दे दिया। वो उसका जो हृदय था ना परिवर्तन हो गया, मारते पिटाई नहीं करते तो उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता। उसको मन में क्रोध आया था, मैं पिटाई किया, एक दिन ऐसे आपका सब लूट कर लिया। लेकिन उसको और जब झोली भर दिया, उसका हृदय बदल गया, उसका हृदय बदल करके इनकी चरण में गिर पड़ा, कहा मेरे को मारना, हाँ मारना चाहिए था लेकिन नहीं मार कर भर दिया, उसका हृदय पूरा परिवर्तन हो गया। फिर वो व्यक्ति भजन में लग गया। जब मठ के इंचार्ज थे, एक बार क्या हुआ, कोई एक ब्रह्मचारी मंदिर में जो संत थे ब्रह्मचारी, कुछ उल्टा पुल्टा काम की तो प्रभुपाद ने आदेश दिया गुरु जी ने, और यही थे मंदिर का इंचार्ज, बोले इसको बिस्तरा बांध कर उसको घर में भेज देना, ये मंदिर में रहकर बड़े उत्पात कर रहा है। शाम को ठाकुर का आरती होती है, आरती होने का बाद सारे जाते हैं गुरु जी को प्रणाम करने के लिए। लेकिन जब प्रणाम करने के लिए जाते हैं, सबके सब तो प्रणाम करने के लिए गए, लेकिन ये विनोद नहीं गए, इनका मंदिर का नाम था विनोद विहार, इसलिए ये प्रणाम करने नहीं गए। गुरु जी ने पूछा प्रभुपाद ने, बोले ये विनोद कहाँ गया? मैंने कहा था ये ब्रह्मचारी मंदिर में बड़े उत्पात उत्पात मचाते हैं, उसको बिस्तरा बेड़ी की बांध कर घर में भेज देना। वो भेजा कि नहीं? बोले भेजा नहीं। बोले विनोद कहाँ गया? उसको बुलाओ, उसको तो बुलाए इनको। जब बुलाए प्रभुपाद ने पूछा विनोद तुम उसको घर में भेज दिया कि नहीं? देखो क्या कहते हैं महापुरुष, कहते गुरुदेव एक संतों के चरण में कब आता है एक जीव। महापुरुष कह रहे ना रूप गोस्वामी को, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। मतलब अनंत कर्म जन्म भटकते भटकते 84 लाख जुनी प्रणम भ्रमण करते 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 कौन मतलब जिनके पूर्व पूर्व जन्म की बहुत अच्छे संस्कार है, भक्ति उन्मुख जिसने सुकृति किया है, बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति कभी श्री सतगुरु का शरण में आते हैं, फिर किसी साधु का चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। जब संतों का दर्शन हो जाए इसका क्या समझो, इसलिए श्री विभीषण जी कहते हैं ना, आज मोए भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना संता। कहते एक जीव का सत्संग कब मिलता है, वह संत दर्शन कब होता है, जब उसका जीवन का सारे दुख खत्म हो गया और संसार में उसको भटकना नहीं, दुख कष्ट नहीं उठाना, तभी भगवत इच्छा से तभी जीव को कहीं संत दर्शन मिलता है।
इसलिए इतने करोड़ों जन्मों के बाद में आपका श्री चरण में उसने आया, हाँ आपका श्री चरण में आया, और आपने क्या बताया उसको, घर से मंदिर से निकाल दो। अगर उसको निकाल देंगे कितना भाग्य से था आपका शरण आया, क्या घर में जाने पर सुधर जाएगा क्या वो, क्या घर में जाने पर सुधर जाएगा, कभी सुधरेगा नहीं, बल्कि या तो थोड़ी बहुत कर रहा था ना वहां ज्यादा करना शुरू कर देगा, ज्यादा करना शुरू कर देगा। अगर आपका शरण में रहेगा धीरे धीरे, हम बद्ध जीव है, हाँ हम बद्ध जीव है, हमारे अंदर में तो दोष रहेगा ही, लेकिन सुधरेगा कब, संतों का संगम है तो सुधरेगा, जब संतों के साथ में धीरे 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 रहेगा, संतों का आदर्श को स्वभाव को देखेगा, धीरे 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 वो सुधरेगा। इसलिए प्रभुपाद कितने कष्टों के बाद में आपका चरण में आए, अगर उसको निकाल देंगे तो कहाँ जाएगा, अभी कहाँ जाएगा, फिर तो संसार की माया में फंस जाएगा ना। इसलिए प्रभुपाद सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, प्रभुपाद सुनकर के बड़े खुश हुए, देखो इसका हृदय कितने दयालु। इसलिए जब कोई व्यक्ति मंदिर में आता था संत बनने के लिए, भले इतना कोई गुण नहीं हो वो रख लेते थे, क्यों ठाकुर मंदिर है, अभी सामने कोई है नहीं, सब इधर उधर काम है, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति जब बैठा हुआ होगा, जब बाहर से कोई आएगा देखेगा ना मंदिर में कोई है, मंदिर में कोई एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, कोई रखवाली हाँ रूप में, चौकीदार रूप में कोई रहते हैं, जैसे ठाकुर का कीर्तन होता है, आरती होता है, उसमें जब थोड़ी कोई मजरा बजा देते हैं ना, जो केवल उसमें जो मजरा बजा देते हैं, हाँ भगवान की आरती हो रही है, कीर्तन हो रही है, मृदंग बजा ले, मजरा बजा ले, तो उसी से ही जीव की कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, क्योंकि भगवान की आरती में उसने कीर्तन किया, मजरा बजाया, मृदंग बजाया, इसलिए उनका हृदय बड़े दयालु, उनका हृदय बड़े कृपालु, उनका हृदय था। इसलिए आज का दिन इनकी जन्मतिथि है, जिन्होंने ये गौड़ीय वेदांत धीरे 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 आगे कैसे ये भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़े, उन्होंने कैसे प्रेस खोले, पत्रिका को प्रकाशित किए, कैसे उन्होंने प्रचार और प्रसार कैसे किया है। आज का दिन हम कोशिश करेंगे हमारे बीच में कुछ भक्त लोग हैं, थोड़ी थोड़ी उनका जीवन चरित्र गोबर में थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे। हमारे बीच में श्री अजय प्रभु जी है, ये प्रभु जी पायलट प्रभु जी है, अभी पहले भारत में जेट कंपनी में थे, अभी जेट कंपनी में थे, अभी ये कंपनी साथ बंद हो गया, अभी कहाँ पर चले गए, साउथ कोरिया में, अभी साउथ कोरिया में चले गए, इनको पत्नी भी पायलट थी, इनका बहन भी पायलट है, इनका पूरा परिवार पायलट है, और इन्होंने गुरु जी की भी, जब गुरु जी कहीं विदेश जाते थे, हाँ बोले गुरु जी मैं जिस प्लेन में उड़ा कर ले जाता हूँ आपको, कभी मेरे प्लेन में आप बैठो, आप कभी हाँ ले जाओ, इसलिए कभी कभी गुरुदेव को भी ले जाते थे, और गुरुदेव जब आते थे कभी कभी इनके घर में रुकते थे, इनकी पत्नी है, हाँ इनकी पत्नी भी बड़ी भक्त है, इनके घर में हम ये गुड़गांव में रहते थे, अभी तो उधर चले गए, जब घर में प्रोग्राम होता था इनकी पत्नी हाँ बड़ी अच्छी तरह से बात है, और बड़ी भक्ति भावना में, लेकिन वो रह रहे हैं कैनेडा में रह रहे हैं वहाँ पर अभी, लेकिन उनका दो बेटियाँ हैं, बड़े सुंदर हारमोनियम बजाते हैं, बड़ी सुंदर उनकी दो बेटी कीर्तन करते हैं, बच्चों को ऊपर उन्होंने अच्छी संस्कार दिए बच्चों को ऊपर, अभी तो थोड़ी सी हमारे पर्व कुछ वाक्य पुष्पा चलते हैं कि श्री अजय प्रभु जी आगे करें। भाई सर प्रभु थोड़ी बोले क्या ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवपुरुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधव दीन बंधव जगतपते
गोपेश गोपिका कांति राधा स्वामी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि वृंदाय तुलसीदास केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्यवते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्मनि तलिला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि धनवत प्रणाम और तत्पश्चात श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। समस्त गुरु परंपरा गुरुवर्गों के चरणों में प्रणाम और आसीन हमारे पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी भक्तिविनाथ श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। पूज्य जीत प्रभु और सभी भक्तों के चरणों में विराज भाई बड़ा शुभ दिन है। आज हमारे दादा गुरु जी गुरु जी के गुरु जी उनकी अतिथि है। ऐसे महापुरुष ऐसे महान भक्त उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, उनको तो हम छू भी नहीं सकते, उनके गुणों को हम अनुभव तो क्या करें, कुछ हमारे इसमें नहीं आ सकता। हमारे दादा गुरु की बात तो छोड़ दी, हमने तो अपने गुरु जी को भी नहीं जाना ठीक से कि कितने महान थे वो, कितने उनके गुण थे। और गुरु जी की बात तो छोड़िए, महाराज जी के गुणों को भी नहीं जानते। और महाराज जी की बात तो छोड़िए, हम यहाँ बैठे भक्तों के गुणों को भी नहीं जानते। यहाँ जो भक्त बैठे हैं इनमें कितने गुण हैं, कैसे लोग भजन करते हैं और किस तरह से भगवान की कीर्तन करते हैं आरती करते हैं, इसको पहचाना भी कोई साधारण बात नहीं है। महाराज जी ने कहा कि मैं बाहर विदेश गया साउथ कोरिया। जब आप बाहर जाते हो तब आपको इन बातों का ज्यादा पता चलता है। हम लोगों को सब चीजें सहज ही मिल जाती हैं, इसलिए हम उनकी महत्ता नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते अभी। ऐसे घूमने फिरने जाओ तो इतना पता नहीं चलता। लेकिन मैं 6 महीने बाद आया हूँ, अभी मैं गया था अगस्त में, अब 6 महीने बाद वापस आया हूँ। वहां पे एक भक्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ऐसी जगह है, देख के आप सोचोगे ऐसी जगह भी होती है धरती के ऊपर। फिर भारत की याद आती है कि भारत में कितने भक्त थे, कितने भगवान की आरती होती थी, कितना कीर्तन, क्या वृंदावन धाम, क्या गुरुदेव। फिर उन चीजों के महत्ता का पता चलता है कि जो साधारण दिखते थे वो साधारण नहीं थे। उनके दर्शन मात्र से ही इतने अच्छे भाव मन में आते हैं। अभी अभी प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, दर्शन है पवित्र कर रही तो मार गुण। वैष्णव के ऐसे ही गुण है, उनके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। भगवान का नाम कहीं सुनने को नहीं मिलता उस जगह। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा की भगवान ने भेजा वहां पर, मैं तो समझता हूँ। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो वहां नहीं भेजते, क्योंकि वहां बिना गए बिना भक्तों का पता ही नहीं चलता कि भक्त कितने, उनकी महिमा क्या है। जो चीज आसानी से मिल जाती है हमें, उसको हम लोग उसकी महिमा को नहीं जानते। हमें तो जन्म से ही भगवान का नाम मिल गया और हर चीज जन्म से मिल गई, लेकिन जब वो चीज छूट जाती है तब पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर समय पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, पत्नी पति से करते रहते, लेकिन जिस दिन वो दूर चले जाती है 5-6 महीने पर याद आता खाना कौन बनाया भैया, और ब्रेकफास्ट का क्या करें, और सफाई का क्या होगा, तब पता चलता कि अरे कितना जरूरी था ये। और फिर जब वो वापस मिलते तो फिर लगता है कि हमारी इज्जत बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ा बड़ा कम हो जाता है। इसी तरह से भक्तों से दूर जाके भक्तों की महिमा का पता चल जाता है। जब वो चीज हाथ से निकल जाती है तब पता चलता है बाप रे क्या क्या कितना कितना अच्छा आनंद था वहां पे। हम लोग बैठते थे महाराज जी के साथ कीर्तन, अभी कितने आनंद से हमने कीर्तन किया। तो इस तरह हर वैष्णव की बहुत महत्ता है। और ये ऐसे महापुरुष के तो गुणगान हम क्या करें, हम तो इतने छोटे वैष्णव भी नहीं कर सकते, हम तो संसार में फंसे जीव हैं और ये मुक्त पुरुष हैं। तो इनको हम लोग सिंह से इनको हम तुलना देते हैं। इनके जो प्रणाम मंत्र है उसको हम आचार्य सिंह रूपेण कहते हैं। ये शेर की तरह, अभी तो महाराज ने बताया कितने नरम दिल थे, अपने बचपन में ही सेवा में लग गए, लेकिन नरम दिल होने के बाद भी बड़े दिल वाले भी थे, यानी कि बड़े मजबूत भी थे। एक बार मैं गुरु जी के साथ बैठा था मथुरा मठ में और महाराज जी ने कहा तुम जहाज उड़ाते हो, मैंने कहा हाँ उड़ाता हूँ। कहते तुम कैसे उड़ाते क्या करते हो, मैंने कहा महाराज जी जहाज तो फाइटर जहाज उड़ा है, उल्टा सीधा आसमान में ये सब पढ़ना पड़ता। महाराज जी बड़े खुश हो गए, कहते हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है, कहते जिनमें हिम्मत हो, हमें डरपोकों की जरूरत नहीं है। ये भक्ति का काम कोई डरपोकों के लिए नहीं है, ये तो उस व्यक्ति के लिए है जो मरने को तैयार हो, जो सिर पे कफन बांध के आए और उसकी तैयारी पूरी हो।
जो डर डर के आता है उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं, वो तो डर डर के ही रहेगा। जिन यहाँ तो वही निडर व्यक्ति की जरूरत है। तो ये महाराज हमारे इतने निडर थे, आपने कथा सुनी होगी मुसलमानों की, जहाँ पे वो शमशान घाट थी, उन्होंने रातों रात उसको बदल दिया। किसकी हिम्मत हो सकती है? गुंडे भी नहीं कर सकते आज के यहाँ पे, जब उनको भी डर लगा रहे करें कि ना करें। लेकिन ये महाराज अपनी गुरु सेवा के लिए, उन्होंने कहा कि गुरुजी की सेवा करनी, मरे तो मरे और जिंदे तो जिंदे, काम करना है बस। इसलिए सब मुसलमान लोग है ना, अब पता होगा जैसे कृष्ण का जन्म स्थान है, उसको तोड़ करके उन्होंने क्या कर दिया, मस्जिद बना दिया। जैसे नहीं, जैसे काशी विश्वनाथ है, वहाँ पर हमारे हिंदुओं का था शंकर जी का मंदिर, उसको फिर औरंगजेब ने क्या किया, वहीं पर भी मस्जिद बना दिया। जैसे राम मंदिर है, वहाँ पर भी मस्जिद बना दिया। इसलिए श्री मायापुर में जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए भगवान, उन्होंने वो स्थान पूरा लुप्त कर दिया, उसको भी दखल करके उन्होंने मुसलमान का कब्रगाह बना दिया था, मुसलमानों ने कब्रगाह बना दिया था। लेकिन किसका, अभी देखो भारत में भी मोदी आया है भाग्य से, लेकिन कितना सत्तर कितना साल से अभी तो कुछ डस मस कर पाया, अभी नहीं कर पाए, पूरा इनके हाथ में सब कुछ है। लेकिन ये महापुरुष संत इतने जोर जबरदस्त थे, मतलब इतना बुद्धिमान थे, भगवान का स्थान को कब्रगाह बना दिया, जहाँ पर हमारे हिंदू का ठाकुर जन्म लिया, कब्रगाह बना दिया। इन्होंने इतने साहस थे, राता रात उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को बुलाया, मजदूर लोगों को, और जितने कब्रगाह था ना उसको उन्होंने उखाड़ दिया, उखाड़ कर गंगा में बहा दिया, बहा करके चारों तरफ में राता रात बाउंड्री लगा दिया, और बड़े बड़े पेड़ ले आए, बड़े बड़े पेड़ ला करके उन्होंने वहां पर जमा दिया, लगा दिया, फूल का पौधा लगा दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, जब मुसलमान लोग आए, देखे कब्रगाह ही नहीं, बगीचा था। इतने में उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दिया, ऐसे ऐसे ये हमारे कब्रगाह कैसे बदला दिया, कैसे यहाँ तो गौड़िया मठ बना दिया, मतलब कितने हिम्मत देखो, गौड़िया मठ उन्होंने बना दिया। तब जब इनको बुलाया, भैया ये क्या है, बोले कब्रगाह थे, इनका प्रमाण क्या बनते था, मुसलमान को वहां दफनाना दफना करते थे ना, काट देते थे, कोई प्रमाण दिखाओ कोई मुसलमान का कोई कब्रगाह होगा। लेकिन राता रात उखाड़ कर गंगा में बहा दिया सबके साथ, ऐसा तो कहते कल आप ये बताओ, एक दिन में इतना बड़ा पेड़ कहीं हो सकता है नहीं, इतना दिन में फूल लग सकती है, और एक दिन में कहीं बाउंड्री लग सकती, राता रात इतने लोग को लेकर उन्होंने काम किया, बाउंड्री पूरा के पूरा लगा दिया उन्होंने, पूरा फूल का पौधा, बड़े बड़े पेड़, बोले एक रात में कहीं लग सकती है कहीं, ये कभी संभव है क्या। उन्होंने इतने बुद्धिमान थे, बड़े बड़े वकील, उसी समय जो बड़े बड़े वकील इनसे परामर्श लेने आते थे, बताओ हमारे ये केस है, अभी ये केस को हम कैसे जीतेंगे, इनसे परामर्श, ये संत थे लेकिन इनसे परामर्श लेते थे, बड़े बड़े वकील आकर परामर्श लेते थे, महाराज बताओ कि ये केस को हम कैसे जीतेंगे, वो हे को नहीं नहीं को ये कर देते थे, ऐसे युक्ति तर्क देते थे ना, ऐसे युक्ति तर्क देते थे, हे को नहीं और नहीं को हे कर देते थे। इसलिए उन्होंने महापुर का नाम क्या रख दिया था, उसका नाम था मायापुर, भगवान का धाम है, लेकिन उन्होंने रख दिया मियापुर, जैसे यहाँ पर इलाहाबाद, जैसे जैसे इलाहाबाद मुसलमानों ने सब नाम रख दिया, इसलिए उन्होंने बदला दिया था नाम को। इन्होंने पूरा के पूरा, मतलब समझो अभी मोदी आया, हमारा अभी योगी आया, अमित यह आए, लेकिन इतनी हाथ में इतना सारा दुनिया होकर के भी अभी तक भी राम का जन्मस्थान एक बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये एक संत थे, राता रात उन्होंने, महापुरुष ने इतना साधारण बात नहीं, राता रात पूरा भगवान का जन्मस्थान को उन्होंने बदला दिया, और राता रात मुसलमान को वहां से खदेड़ दिया उन्होंने। और किस समय क्या हुआ, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जमीन का नाम पर था, इनके नाम पर प्रभु जैसे जमीन दे देते ना लोगों को खेती करने के लिए देते हैं, और आधा तुम्हारे और आधा हमारे, लेकिन उन लोगों ने किया कि आप पूरा ही मुसलमान लोग थे ना, कुछ भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे। अभी उनको ऊपर में कौन लड़ाई करे भैया, अभी देखो रास्ता में बैठ गए ना, आपको पता होगा रास्ता में बैठ गए, अभी 15-20 किलोमीटर घूम करके सब जाना पड़ेगा, हाँ साईं बाग, साईं बाग में अभी कोई चुकन्ना नहीं कर पाते। देखो इनका कितना साहस है, ये जमींदारी घर में जन्म हुए हैं, इनको सब कुछ पता, कैसे कर टैक्स कैसे आदाय करनी चाहिए। इन्होंने जब चलते थे कैसे चलते थे, तो एकदम बढ़िया धोती, ऐसे तैसे नहीं, उसी समय से धोती पहनते ना, बढ़िया धोती कोट बूट पहन करके, और घोड़े के ऊपर, उस समय तो गाड़ी नहीं होता था ना, घोड़े के ऊपर में चाबुक लेकर के हाथ में पकड़ कर, कोड़े पकड़ कर हाथ में चलते थे रास्ता भर, ऐसे बोला ठाड़ बार से चलते थे। एक बार प्रभुपाद ने कहा ऐसे ऐसे मुसलमान को जमीन दिया, लेकिन वो आधा दे नहीं रहे,
वो पूरा पूरा हड़ भरे। बोले गुरुदेव कोई चिंता मत कर। उन्होंने क्या किया, एक मुसलमान को पकड़ कर ले आया, वहां कटहल का पेड़ था, बांध दिया हाथ को और कोड़ो लेकर ऐसे मारे उसको, ऐसे पिटाए, ऐसे किया। बोले कितना दिन से जमीन तुमने लिया, सारे पैसा दो, सारे पैसा निकालो। ऐसे पिटाई किया ना, ऐसे उसको पिटाई किया, फिर छोड़ दिया। उसने जाकर पूरा गांव में बोल दिया। वो विनोद बाबू, उनको बोलते थे बाबू, हैं वो बाबू बोलते थे, वो विनोद बाबू ने ऐसे पिटाई किया, धुलाई किया, हे भगवान मैं तो कल जाकर के सारे टैक्स दे आऊंगा, तुम लोग दे आओ नहीं तो तुमको कैसे जेल में बंद कर देंगे। उनको सारी बात पता था, हाँ बड़े वकील जिसे परामर्श लेते थे। दूसरे दिन क्या किया, जितने मुसलमान सब जमीन जगह दबा करके बैठे हुए थे, बड़े दिन से पैसा नहीं दिया, दूसरे दिन सारे पैसा ला करके प्रभुपाद को सारे पैसा ला करके दे दिया। बोले वाह तुमने किया काम, तुमने किया है, ऐसे ऐसे ये महापुरुष, मतलब इतने, इसलिए इनको जो टाइटल दिया ना आचार्य सिंह रूपिणी, इनका शेर को टाइटल दिया, शेर का नाम टाइटल दिया। शेर जैसे दहाड़ता है ऐसे ये दहाड़ता है, लेकिन ऊपर से तो दहाड़ते हैं लेकिन अंदर में, इसलिए संतों का जीवन में बताया वज्र दप कठोरानी मृदुन कुसुमानी। संतों को उदाहरण दिया, वज्र से भी वज्र बन जाते, कठोर बन जाती हैं, लेकिन कोमल से भी कोमल बन जाते हैं। भक्ति के लिए तो कोमल बन जाते हैं, लेकिन भक्ति का जो बाहर होता है ना वो वज्र बन जाते हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने बहादुर दिखाया प्रभुपाद जी से। महाराज जी ने बड़ा अच्छा उसको विस्तृत में बताया। तो यही संतों की विशेषता है कि वो अपने गुणों को और अवगुणों को जो भी कुछ उनके पास होता है गुरु सेवा में लगाते हैं। तो आपने सुना किस तरह से उन्होंने मुसलमानों से रातों रात जगह को घेर लिया और कोई प्रमाण नहीं छोड़ा, और अगले दिन पुलिस ने जब चेक किया तो कुछ कर भी ना पाए। तो इस तरह से इन्होंने कई जगह अपने सिंह होने का परिचय दिया है, कई जगह, और खाली सिंह ही नहीं, अंदर से बहुत कोमल थे और बड़े फिलोसफर भी थे, बहुत दर्शन। अगर आप इनके नवदीप जाएंगे तो इनका एक कमरा है हमारे पुराने मठ में, कौन सा मठ है, केशव जी बड़े मठ जो है नवदीप में, वहां पे इनका कमरा भी है और उसके अंदर एक चेयर पड़ी है। अब इजी चेयर है, वो लंबी चेयर है ऐसे एकदम, जैसे महाराज जी बता रहे घोड़े पे चलते थे तो चेयर पे बैठते भी ऐसे स्टाइल से थे। मैंने गुरु जी के मुख से कथा सुनी है कि जब ये मठ में आए थे 20-25 साल के थे, तो कहते हैं चेयर पे टांग रख के बैठे हुए ऊपर, और दूर से सन्यासी आ रहे हैं लाल कपड़े पहन के, दंड लेके प्रणाम करके जा रहे हैं, और इनका सफेद कपड़ा था, लाल कपड़ा भी नहीं मिला इनको, सिर्फ सफेद कपड़े में थे, ऐसे व्हाइट धोती और व्हाइट कुर्ता, और टांग रख के बैठे, टांग नीचे भी नहीं कर रहे, वैसे ही बैठे और सन्यासी लोग प्रणाम कर करके जा रहे। तो ऐसा इनका रौब होता था उस समय, और इस तरह से मतलब ऊंचे परिवार के तो थे ही, लेकिन अंदर से एकदम कोमल, लेकिन हिम्मत वाले। हमारे गुरुजी भी ऐसे हिम्मत वाले थे। भक्ति में हिम्मत वालों की ही जरूरत है, जिसमें हिम्मत नहीं हो भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति करना मतलब जीवन में सबसे बड़ा रिस्क लेना है। हम लोग धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो भाई लाख रुपए लगाते तो बड़ा डर लगता है, अरे कहीं डूब ना जाए, कहीं दुकान में ग्राहक आए कि ना आए। फिर थोड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं 50 लाख लगा देता है कोई, फिर सोचते पता नहीं होगी ना, बहुत बिजनेस बंद भी होते हैं, नुकसान भी होता है। तो डरपोक लोग बिजनेस नहीं कर पाते, वो तो नौकरी करते हैं हमारी तरह, फिक्स इनकम आएगी आराम का काम है। लेकिन जो दिल वाले हैं थोड़े वो बिजनेस करते हैं और रिस्क लेते हैं, और हारते भी जीतते भी। लेकिन ये भक्ति करना तो बिजनेस करने के 1000 गुना ज्यादा रिस्की है। यहाँ तो पूरा का पूरा जीवन ही दांव पे लगाना पड़ता है, 1-2 लाख से ही काम चलता है। यहाँ तो पूरा अपना जीवन को ही छोड़ के गुरु जी के चरणों में छोड़ना पड़ेगा, तभी भक्ति होगी, नहीं तो ऐसे धीरे 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 सुकृति बनेगी हमारे थोड़े। तो इस तरह से ये महाराज जी अपने गुरु सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते थे, और अगर किसी चीज के लिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जाने जाते हैं तो गुरु सेवा के लिए जाने जाते हैं। कहते गुरु सेवा करने के लिए तो वो मरने के लिए तैयार रहते थे। एक बार नवदीप में ही झगड़ा हो गया किसी दो ग्रुप के बीच में, महाराज जी को डिटेल में बताएंगे आपको, तो इतना झगड़ा बढ़ गया कि मरने मारने की नौबत आ गई, और इनके गुरु जी प्रभुपाद जी थे वो वहीं थे, और इनकी शक्ल आप देखें तो प्रभुपाद जी से मिलती जुलती है, दोनों ही गोल उतर के चश्मे पहनते गोल गोल और लंबे चौड़े दोनों ही। तो ऐसी जब नौबत आ गई कि अब लोग मारने को ही तैयार हो गए, तो इन्होंने क्या किया, उसमें इनका संन्यास भी नहीं हुआ था, इनके सफेद कपड़े थे, तो इन्होंने प्रभुपाद जी को उठा के अंदर ले गए घर के अंदर पास में, हम लोग वहाँ परिक्रमा जाते हैं स्थान में, वहां कथा कहते हैं, और वहां जाके इन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि आप जल्दी कपड़े खोलो।
किस शिष्य की ऐसी हिम्मत होगी गुरु जी को बोले कपड़े उतार, हमारी कभी होगी ऐसी हिम्मत? कपड़े उतार मतलब ये जैसे साधारण जैसे धोती पहनते ना, वो ऐसे ब्रह्मचारी जीवन में साधारण धोती पहनते, अब गुरु जी का जो ड्रेस था सन्यासी झंडे लेकर के, हम जैसे सन्यासी ड्रेस लाल कपड़े में, वो सफेद कपड़े में थे, लेकिन उन्होंने गुरु जी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, घर में लेकर के उनका ड्रेस बोले गुरुदेव आपका ड्रेस मुझे दे दो और मेरा ड्रेस आप चेंज कर दो। गुरु जी को भी बोल सकते हैं आपका लाल कपड़ा दे दो हमें और सन्यास का ड्रेस दंड और मेरे सफेद कपड़ा, कोई गुरु जी को बोल सकते हैं किसका हिम्मत नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उनको बदला करके उन्होंने उनको छुपा करके प्रभुपाद वहाँ से छोड़ दे देगा। इसका कारण क्या था? इसका कारण था जब प्रभुपाद आए थे उनका गुरुदेव, उन्होंने ऐसे भक्ति को उन्होंने प्रचार किया, शुद्ध भक्ति को उन्होंने प्रचार किया, कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, कंप्रोमाइज किसी विषय पर नहीं किया, नहीं शास्त्र जो कहता है उसी अनुरूप तुम सतमुच से साधु तुम्हें होनी चाहिए। इसलिए उसी समय कुछ ऐसे जात गोस्वामी थे, जात गोस्वामी मतलब होता है पहले जिनकी वंश में बड़े बड़े गोस्वामी संत लोग आए थे, लेकिन क्या हुआ परंपरा में धीरे 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 उनको धीरे 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 क्या हुआ उसको वंश में जो बच्चे आए, पहले कोई संत थे गोस्वामी थे, लेकिन धीरे धीरे उनको वंश में जब कोई आए, अभी मछली खा रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, बीड़ी भी फूंक रहे हैं, सारे गंदे काम कर रहे हैं, लेकिन कहते नहीं हम उसी वंश धरे गए, हम उसी वंश धरे गए हैं, उनका खून हमारे शरीर में भी बह रहे, हम भी गोस्वामी, भले ही हम कुछ करे और नहीं करे, लेकिन भक्ति जगत में विचार है, भक्ति जगत में विचार है, जैसे आपका पिताजी ब्राह्मण घर में आए, आपको पिताजी डॉक्टर थे, आपको पिताजी डॉक्टर थे, आप इसका बच्चे बने, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं करोगे फिर आपको कोई डॉक्टर बोलेगा? जैसे ये पायलट है, अगर इस घर में बेटा हुआ, अगर वो पायलट का जो कोर्स अगर नहीं करेगा तो कोई पायलट दुनिया में बोलेगा? इसी तरह प्रभुपाद ने कहा नहीं ऐसे नहीं, गोस्वामी का बेटा गोस्वामी होगा ऐसे नहीं, और तुम लोग क्या कर मांस खा रहे हो, मछली खा रहे हो, प्याज लहसुन खा रहे हो, बीड़ी फूंक रहे हो, अब अभिमान क्या करते हम गोस्वामी वंश में आए, इसलिए उन्होंने ये चीज को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो अभी धीरे 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 इनकी प्रभाव पड़ रहा था, सारा दुनिया में इनकी प्रभाव बढ़ते जा रहा था, इतने शिष्य प्रसिद्ध हो रहे थे हैं, और मायावाद को खंडन कर रहे थे सहजिया जो, और विशेष करके बंगाल में तो इतने अवतारवाद, अवतारवाद अमुक भगवान, अमुक भगवान, अमुक भगवान, थोड़ी सी कोई चमत्कार कर दिखा दिए ना वासी भगवान भगवान करके उसको पीछे पीछे भागना शुरू कर देते, लेकिन प्रभुपाद इसी विषय पर उन्होंने एकदम विरोध करते, बोले ये सही नहीं। अरे इनका नाम हो रहा था, उन लोगों ने देखा भैया हमारा पेट भी लात मार रहा है, सब लोग तो इनकी तरफ में जा रहे हैं, इनकी तरफ में जा रहे हैं, इसलिए उन लोग ने नवद्वीप का परिक्रमा निकला था, वहां पर एक प्रौढ़ माया जोग माया देवी वहां परिक्रमा जाती थी, पहले से वो चाहती गोसाई लोगों ने क्या किया, सोडा की बोतल और ईट पत्थर इसको लेकर पहले रखे, बोले आज वो आएगा ना उसको जान से खत्म कर देगा, लेकिन इनका जब परिक्रमा वहां पर गई, जब प्रभुपाद चलते थे ना वो हाथी के ऊपर बैठ कर चलते थे, परिक्रमा चलती थी हाथी के ऊपर चलते थे, इतने में जब वहीं पर परिक्रमा पहुंची एकदम उन लोगों ने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, सोडे की बोतल फेंकना शुरू कर दिया, ईट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, वहां पर तो भगदड़ मच गई है? उनको पता नहीं था पहले से ये प्लानिंग करके रखे हुए, वहां पर भगदड़ एकदम मच गई, सब सब भागना शुरू किया, लेकिन देखो ये महापुरुष में कितना ताकत, देखो गुरु जी सेवा के लिए कितने ताकत है, हम तो वही से बोल देते नहीं गुरु सेवा के लिए जी जान लगा देनी चाहिए गुरुदेव सब कुछ, लेकिन तभी प्रमाण परीक्षा होता है, जब परीक्षा हो ना तभी पता सारे पता पड़ जाता है, परीक्षा नहीं आई इसलिए हम कहते नहीं गुरु जी सब कुछ, गुरुदेव का जीवन रक्षा करनी चाहिए, गुरु जी के चरण में आत्मसमर्पण करनी चाहिए, सबके सब इधर उधर भाग गए, लेकिन ये महापुरुष ने क्या किया, गुरु जी को लेकर के एक पास घर में किस सज्जन घर में ले गए हैं, लेकर के बोले गुरु जी आप ड्रेस बदला दो, उन्होंने अपना ड्रेस उनको दे दिया, उनका ड्रेस खोने करके प्रभुपाद उन्होंने वहीं से निकाल करके निकाल दिया, और बाद में जब ये निकले ये तो प्रभुपाद थे उनका ड्रेस से पता था ना ये सन्यास दंडे लेकर के, ये जब दंडे लेकर निकले बोले भैया वो तो है नहीं, वो तो अलग ही आदमी है, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद वहां से निकल करके प्रभुपाद वहां से चले गए, इसलिए ये महापुरुष ने ऐसे इनको मार सकते थे, इनको मार सकते थे, क्यों बोले यही शायद प्रभुपाद है, मतलब इन्होंने अपना हाथों में अपना जान को लेकर के
मृत्यु को अपना जान में लेकर उन्होंने गुरु जी की सेवा की, मतलब ऐसे उन्होंने गुरु सेवा की। इसलिए इनको उदाहरण देते कुरेश, कुरेश नाम सुने हो, ये रामानुज संप्रदाय में इनका एक शिष्य हुए कुरेश, रामानुज संप्रदाय में रामानुज आचार्य जगह, ये रामानुज मतलब लक्ष्मण है उनका शिष्य थे कुरेश, ये भी ऐसे गुरु जी की सेवा के लिए उस समय ये वैष्णव धर्म भक्ति धर्म को प्रचार कर रहे थे। एक राजा था है, वो बड़ा दुष्ट था, वो संतों को देख नहीं पाता था, साधु संतों को देख नहीं पाता था, वो था शैव, शिव को उपासना करने वाले। जब देखा इनकी भक्ति बड़े बढ़ रहा है, अभी उनको मारने के लिए वो भी उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को बुला करके रामानुज आचार्य जी को बुलाया, बोले यहीं पर शास्त्रार्थ करके इनका आंख निकाल देंगे। लेकिन इनका एक शिष्य थे बड़े बुद्धिमान जिसका नाम था कुरेश, बोले गुरु जी आप मत जाया करो, इनका दुष्ट अभिसंधि है, आपका ड्रेस मेरे को दे दो, मेरे ड्रेस आप ले लो, आपका नाम लेकर के मैं वहां पर आपका नाम लेकर के मैं जाऊंगा। और उन्होंने गए सचमुच से, कहते सचमुच से तर्क वितर्क हुई, लेकिन इन्होंने सबको परास्त कर दिया। वो राजा था ना, राजा था तो उसका हाथ में, बोले इनका दोनों आंख निकाल, सचमुच से उन्होंने दोनों आंख निकाल दी, आंख निकाल दिया, जिंदा की आंख निकाल दी। लेकिन ऐसे भ्रमण करते 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 जब गुरु जी को पास में भ्रमण करते करते आए ना, वो स्वयं लक्ष्मण है, रामानुज मतलब लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण शेष का अवतार है। जब गुरु जी को पास में आए, गुरु जी फिर उनको आंखों के ऊपर में हाथ घुमा दिया ना, फिर दो आंख निकल गए, फिर इनके दो आंख निकल कर गए। इसलिए इनको उदाहरण देते श्री कुरेश का जैसे है, इसलिए ऐसे उन्होंने गुरु जी से बनते। अब इनके ताली बजा, चंद्राय राधिकाय तथा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णु पदाय श्री राधे श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नाम नमो विष्णु पदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञा केशवति नाम सर्वप्रथमोत्तरीकृष्णुपादी वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चंदन थोड़ी रडवे प्रणाम करता हूँ, उन सब की अद्भुत कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर मुझ पर कृपा करें जिससे हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके। तत्पश्चात जो आज शुभ तिथि शुभ आविर्भाव तिथि जब शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी मना रहे हैं शिल परम गुरुदेव उनके चरणों में अनंत कोटि अर्पण प्रणाम करता हूँ, उनसे उनकी अंतरिक कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मनसाशी को जब भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि अर्पण प्रणाम करता हूँ एवं उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा प्रणाम कि आप सब पर मुझ पर कृपा करें। आज बहुत ही शुभ तिथि है और हर तिथि पे हम एक बात बार बार सुनते हैं समझते हैं कि हम आज आए हैं श्रवण करने, इस तिथि का पालन करने। तिथि पालन करना क्या होता है कि आज जो महापुरुष की तिथि है ये किसके लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं, मेरे लिए है ना, ये मेरे लिए है। क्यों आए, ये कौन है, ये नित्य राधा रानी की क्या है, परिकर, महाप्रभु के परिकर है, उन लीलाओं में वहां उनका सहयोग कर रहे हैं, लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं पूर्ण आनंद में, पर उस आनंद को छोड़कर यहाँ इस जगत में आए एक साधक की तरह कठोर साधना करके दिखाए, लीला करके दिखाए, उन शास्त्रों को आचरण करके दिखाया, किसके लिए, मेरे लिए, कि कैसे उन शास्त्रों की जो इतनी कठोर कठोर वचन है, ये गुरु निष्ठा होती क्या है, गुरु भक्ति होती क्या है, कैसे ये जीव समझेगा, उसको करके दिखाई। जैसे प्रभु जी कह रहे थे ना, बहुत ही कठिन चीज है भक्ति, बहुत ही कठिन चीज है भक्ति, किसके लिए कठिन है, मेरे जैसे जीव के लिए कठिन है। कठिन किसने बना रखा है, मैंने ही। सुबह एक माता जी से बात हुई तो बात कुछ और चल रही थी पर उसमें बात निकल के आई क्या है, हम संसार में फंसे हुए हैं, संसार ने हमें पकड़ा हुआ है, मैंने संसार को पकड़ा हुआ है,
नहीं, मैंने संसार को पकड़ा हुआ है, संसार ने हमें पकड़ा हुआ है, संसार ने तो पकड़ा हुआ है हमें, पति खींचता है, बच्चे खींचते हैं, कौन खींच रहा है? मैंने संसार को पकड़ा हुआ है। ये शिला परम गुरुदेव ने भी अपने जीवन में एक छोटे से लीला से दिखाया। उनकी माता जी कहाँ है? अपने अंतिम समय में है। तो एक पत्र आया है, तार आया है मठ में, और ये आया है कि विनोद दा, जो विनोद ब्रह्मचारी जी हैं, उनकी, इनका ब्रह्मचारी नाम था श्री विनोद ब्रह्मचारी, तो उनकी माता जी बिल्कुल अंतिम समय में है, बहुत ही बीमार है, पुत्र दर्शन की इच्छा है, तो पुत्र को बुलाया है। तो जब प्रभुपाद जी के हाथ में वो लेटर आया और उनको पता चला, तो क्या किया उन्होंने? क्या बोला? नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद जी ने नहीं बोला नहीं जाऊंगा, प्रभुपाद जी ने बोला जाओ। विनोद ब्रह्मचारी को बोला जाओ, तुम जाओ। तो विनोद ब्रह्मचारी जी ने क्या किया? परम गुरुदेव जी गए अपनी भजन कुटीर में ही बैठे रहे, पूरा दिन बाहर ही नहीं आए, केवल हरिनाम करते रहे। और जब दूसरे दिन ब्रह्मचारी से पूछा, श्रील प्रभुपाद जी ने किसी दूसरे ब्रह्मचारी से पूछा कि विनोद गया या नहीं गया, तो कहते नहीं, वो तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं आया है। तो कहते उसको बुलाओ जरा। और जब बुलाया गया तो उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं गए घर? एक तरीके से क्या किया? गुरु हो क्या करी? नहीं करी, करी, पर वो अंतरंग है अपने गुरु के, अंतरंग इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं, जानते हैं। तो जब पूछा ना कि क्यों नहीं गए तुम्हें मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि देखो गुरुदेव, जब आपसे पहले आए मैं अपनी माता से बहुत अटैच्ड हूँ, मेरी माता मुझे बहुत प्रेम करती है, अगर मैं वापस जाता और वो अपने अंतिम समय में वो कुछ भी कह सकती है, और वो क्या अगर कह देती कि तुम यही उस मठ को छोड़ के यहाँ मेरे पास आ जाओ, संसार करो, घर संभालो, तो मैं शायद मना नहीं कर पाता। आपने ही तो, समझना वो क्या कह रहे हैं, अरे गुरुदेव आपने ही तो हमें सिखाया है इन हरि कथाओं में, आपने ही तो हमें समझाया है कि जन्मों जन्मों से मां बाप हैं, पर सदगुरु जो मिलता है बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब मुझे इस जन्म में ऐसे आप जैसे सदगुरु मिल गए, हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपने ही समझाया कि ये मनुष्य जीवन मिला किस लिए है? क्या ये घर संसार करने के लिए मिला है, संसार में फंसने के लिए मिला है? नहीं, ये तो मिला ही हरि भजन के लिए है। तो गुरुदेव जो आपकी असली शिक्षाएं हैं, आपके असली निर्देश हैं, उन्हीं को धारण करते हुए हृदय में मैं नहीं गया, मुझे समझ में आ गया है कि ये जीवन किसके लिए है, हरि भजन के लिए। तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से निर्भरता से, और वाकई में साहस चाहिए किस चीज के लिए, कि अपने इस हृदय को, अपनी इस बुद्धि को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम करके क्या करते हैं? आजकल तो दंडवत भी ऐसे ही रह गया है, दंडवत होते नहीं है, बस बोल देते हैं वो दंडवत हो गया। प्रणाम का मतलब है कि क्या ये माथा, ये सर मैं आपके चरणों में रखता हूं, ये सर के अंदर क्या भरा है, क्या है सर के अंदर? मैं अपनी बात नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे तो पाप भरा है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बुद्धि है ना इसमें, कि हे गुरुदेव मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ, इस बुद्धि को जैसे चलाओगे चुपचाप चलूंगा, प्रश्न नहीं। और इसीलिए इन्होंने वही करके दिखाया, अपनी बुद्धि को क्या कर दिया, श्रीला प्रभुपाद जी के चरणों में दे दिया। जो प्रभुपाद जी का मिशन था, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनकी जितनी भी सारी टीचिंग्स थी, उन सब को समझा, हृदयंगम किया, पूरे हृदय में धारण किया, और उसका पूरा आजीवन आचरण करके दिखाया। जैसे महाराज जी ने कहा बड़े कोमल हृदय के थे, प्रभु जी कह रहे हैं बड़े कठोर थे, तो कब कोमल थे और कब कठोर थे उनकी बातों से समझ में आया होगा, जब वो इन जीवों के प्रति देखते थे, दया करते थे तो कोमल हो गए, अपने शिष्यों के प्रति, अपने गुरु भाइयों के प्रति, इस पूरे संसार के प्रति तब तक कोमल है जब तक वो उनको तड़पता देख रहे हैं। क्या हम तीन तापों में यहाँ तड़प रहे हैं? तो किसी तरीके से जो गुरुदेव से जो धन प्राप्त हुआ है वो धन दे दे। जैसे अमीर आदमी क्या करता है, गरीब आदमी को देखता है, हृदय पिघलता है, तो क्या करता है, बटुए से क्या निकालता, पैसे निकालता, दे देता है। ऐसे ही ये धनी, कृष्ण प्रेम में धनी, राधा दास्यम में धनी, इन्होंने क्या करा, देखा ये जीव तड़प रहा है, ये तड़प क्यों रहा है, क्योंकि इसके पास ये कृष्ण प्रेम धन नहीं है, तो हृदय से निकाल निकाल के बांटने की चेष्टा करी। पर कठोर कब हुए,
कब शेर की तरह दहाड़े, शेर की तरह दहाड़े। और हमने अपने मठों में भी देखा होगा, गिरधारी मठ है, कई अभी हमारे जो मठ हैं देवानंद गौड़िया मठ में महावीर, हमने क्या देखा, एक हाथी बना हुआ है और उस हाथी पे शेर चढ़ा हुआ है। कुछ लोग तो जब नए नए आए तो कहते हैं ये क्या चिड़ियाघर जैसा क्यों बनाया हो, और उस सोचो देखने में तो ऐसा लग रहा है पर उसके पीछे भी मतलब मठ का एंट्री ही इतनी सिद्धांतिक सिद्धांतों में पूर्ण पूर्ण, ये क्या सिद्धांत दिखा रहे हैं कि ये हाथी कौन है, ये हाथी क्या है, ये अपराधों का हाथी है, ये मायावाद का हाथी है, ये अब सिद्धांतों का हाथी है। और इस पे कृष्ण भक्ति या असली में वो शेर क्या है, वो साधु संग रूपी शेर, वो गुरु निष्ठा रूपी शेर उस हाथी पे चढ़ के उस हाथी को मार डालेगा। तो जितने मेरे अनर्थ अपराध जो पाप भरे हुए हैं इस पे कौन चढ़ेगा, इस पे ये गुरु निष्ठा गुरु सेवा ही चढ़ेगी। पूरा जीवन उन्होंने केवल और केवल गुरु निष्ठा और अपनी गुरु सेवा ही दिखाई, हर छोटे छोटे एक छोटी बोल के फिर विश्राम करूंगा पानी को। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी अपने किसी सेवक के साथ जा रहे हैं तो क्या देखा कि एक पार्क है, बड़ी गर्मी का महीना है, और क्या देखा एक ईंट को सिरहाना रख के ये हमारे परम गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं। और उस समय प्रभुपाद जी क्या करते थे, ये यमनंद ये सब जितने भी थे परम गुरुदेव आदि और भी कई ब्रह्मचारी आए, सब एकदम यंग, बहुत पढ़े लिखे, बहुत होनहार, बहुत ही तेज बुद्धि वाले, ये सब इन सबको क्या करते थे, एक एक बक्सा सा था दान पात्र सा, वो ये लोग गले में लटका के और घर घर जाके भिक्षा करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे खाली भिक्षा नहीं करनी है, तुम्हें क्या करना है, इस कृष्ण ये गौर वाणी का प्रचार करना, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। तो जाते थे घर 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 जाके ये गौर वाणी सुनाते थे, ये शास्त्रों की बातें सुनाते थे, ये सनातन धर्म का प्रचार करते थे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। तो देख रहे हैं प्रभुपाद जी ने देखा कि विनोद ब्रह्मचारी कैसे है, इतनी गर्मी में एक पेड़ के नीचे बस ईंट को सर ईंट सर पे लगा के और विश्राम कर रहे। तो प्रभुपाद जी के हृदय भर आया और वहीं रोने लगे और बोलते देखो इस विनोद ब्रह्मचारी को देखो, ये क्या है, एक इतने बड़े जमींदार घर का लड़का, हर सुख सुविधा इसके घर में है और देखो इसने मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे लिए देखो कैसा जीवन यापन कर रहा है। तो जब एक गुरु के हृदय में ऐसी अंतरंगता आ जाए शिष्य के प्रति, तब समझना कि वो शिष्य के प्रति ऐसा कनेक्शन बना है। और जैसा हमने अन्य गुरु ने कहा कि प्रभुपाद ने अपने जीवन में सबको सम्मान करते थे, सबको दंडवत करते थे, सबको प्रभु कहते थे, महाराज कहते थे, पर केवल जीवन में केवल दो जने थे, उनके सेवक, एक उनके सेवक और जो निज सेवक थे, और एक हमारे श्रील परम गुरुदेव जिनको तू करके बात करते। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी जी जब बता रहे हैं श्रील परम गुरुदेव के बारे में, तब वो कह रहे थे, कहते हमें जलन हो जाती थी कि कैसे उनको गुरु सेवा से, गुरु निष्ठा गुरु सेवा क्या है, हमारे गुरुदेव ने भी कहा ये गुरु निष्ठा क्या है, भक्ति की मेरुदंड है, बैकबोन ऑफ भक्ति है ये, इसके बिना तुम नहीं खड़े हो पाओगे सीधे भक्ति में। तो असली गुरु निष्ठा गुरु सेवा क्या है, जैसा श्रीला गुरुदेव चाहते हैं, जैसा वो प्रचार कर रहे हैं उसको मैं धारण करूं, उसका पालन करूं, और पालन करके मैं प्रचार करूं। गौर सेवानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वतम परमार्थितम गुरुपाद की अभचरणार्थिवानंद बड़ी साष्टांग प्रणाम पूर्वक उनके अतिथि कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तरसा शिष्य भक्ति प्रज्ञा लखेश महाराज का भचरण वृंदवानंद कोटि शास्त्र महाराज प्रणाम करता हूँ। उपस्थित भक्त वृंद वैष्णव वैष्णवी सभी चरण जैथा दंड प्रणाम स्वीकार। आज हमारा विशेष सौभाग्य की बात
आज हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज के शुभ आविर्भाव तिथि जहाँ महोत्सव श्री परम गुरुदेव ने 1898 को जनवरी 24 पिता श्री शरद चंद्र और माता श्री भुवन मोहिनी देवी को आश्रय करके इस धराधाम में अवतरण ग्रहण करते हैं। देखिए जो वैष्णव है वो अप्रावृत है। अप्रावृत क्यों? उन्होंने कहा गया कि भगवान के निज जन है। फिर भी भगवान के निज जन होने पर ये जो जगत में जब आविर्भाव होते हैं एक माता पिता का आश्रय ग्रहण करके जन्म लेते हैं। अगर ये आश्रय ग्रहण ना करेंगे ये उनका दोष नहीं होगा, तो भगवान की धाम से आए तो ऐसे भी अविरोध हो सकते। फिर भी वो भगवान की लीला को सम्मान प्रदान करने के लिए क्या करते हैं ना, पिता माता का आश्रय ग्रहण करते हैं। मगर इसका मतलब उनका जो स्वरूप या जड़ हो गया ऐसा बात नहीं। उदाहरण क्या दिया जाएगा, जैसे सूर्य है, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होते और अस्त होते किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। उदित होने के कारण पूर्व दिशा सूर्य की मां नहीं होते, ठीक उसी तरह ये महापुरुष तो इस पिता माता को आश्रय ग्रहण करके जन्म करते, फिर उनके अंदर वही नित्यता तथा भगवान की जो निज वही चीज उनका अंदर रहता है। तो हम परम गुरु देव बहुत बड़ा अद्भुत जीवन चरित्र को हमें श्रवण कर रहे थे। तो ये लोग आते क्यों, क्या कारण, इस जगत में उनका कार्य क्या? तो बड़ा अच्छे से भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन लिखते हैं, प्रभु एमन दुर्मति संसार भीतरे पढ़िया अछिनु आमी तब निज जन को न महाजन पठाया दिले तुम्हें। हम ये संसार में पड़े हुए कैसे ना, बड़ा बद्ध दशा में पड़े हुए और भगवान ये सोच रहे यानी जीव का कल्याण कैसे होगा, ये तो अपनी इच्छा से आ नहीं पाएगा। तो भगवान कृपा करके क्या करते है ना, अपनी निज जन को वहां भेजते है क्या करने के लिए ना, इस जीव को उद्धार करने के लिए। इसलिए अगर भगवान अपने जन को नहीं भेजेंगे तो जीव का कल्याण कभी भी संभव नहीं। तो इसलिए भगवान कृपा करके क्या करते ये महापुरुषों को यहाँ पे भेजते हैं। तो ऐसे हमारे परम गुरु जो महापुरुष थे, बोले क्यों ना, देखो भगवान तो ही धाम में आते हैं लीला विस्तार करने के लिए, पर महापुरुषों का कार्य क्या होता है, बोले उसी लीला का, उसी जो भगवान की जो लीला का महिमा को प्रकाशित करते केवल केवल महापुरुष। बोले कैसे ना, अभी दुर्योधन का जानु भंग हुआ है, रण क्षेत्र में पड़ा है, बड़ा कष्ट पा रहा है, मतलब मर नहीं रहा है। उस समय कृष्ण उनके पास जाकर उपस्थित हुए, तो कृष्ण जो देख रहा है तो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आ गया। बोले भगवान मैं अगर मर रहा हूँ, मेरा कौरव वंश अगर नाश हो रहा है तो केवल केवल तुम्हारे कारण के लिए। बोले क्या मैं क्या किया, बोले कि तुम ये बताओ मैं क्या किया। दुर्योधन प्रश्न करे मेरा एक ही भूल बताओ। भगवान बोला अरे तेरा क्या भूल, तो रहे तो जन्म से तू भूल करता आ रहा है, अभी पूछ रहा है कि मेरा क्या भूल। बोले भगवान मेरा एक भूल बताओ जिसके कारण मुझे आप इतना दंड दिए। बोले अच्छा तो बोल रहा हूँ, तो तुम तुम्हारे भाई के प्रति द्वेष भावना करके उनको तो विष दिया था भीम को तो मारने के लिए। भगवान तो दुर्योधन बोले अच्छा ये मेरा दोष है, तो भगवान अगर मेरे ये दोष है दूसरे का आप आंगुल दिखा रहे हो एक आंगुल, तो अपनी के तीन आंगुल और आता है अंदर। भगवान ये मेरा एक दोष दिखा रहे हो, तो आप कौन सा बड़ा अच्छा आदमी हो, आप तो पुतना को मारे, अकासुर बकासुर को मारे, मैं तो प्रचेष्टा किया था भीम जी को मारने के लिए, प्रचेष्टा किया था वो मरा नहीं, और आप तो पूरा मार डाले, तो आपसे मुझसे भी बड़ा पापी हो। बोले क्या अच्छा चलो छोड़ो ये मेरा पाप हो गया और क्या। बोले अरे आप तो ये अपने भाइयों को क्या किए ना, राज्य से विताड़ित कर दिए बार बार, हाँ उनके साथ छलना किए। बोले कि आप कौन सा अच्छा आदमी हो, आप तो ब्रज छोड़ के चले गए और गोपियों की हृदय को तोड़ दिए, अभी कभी भी लौटे नहीं। बोले कि अच्छा ये भी मेरा दोष हुआ, तो फिर तुम क्या किए ना, द्रौपदी के वस्त्र हरण करने के लिए चेष्टा की। भगवान बोले तुम कौन सा अच्छा आदमी हो। दुर्योधन बोले अरे तुम तो गोपियों के सारी सारी वस्त्र हरण के लिए, मैंने तो प्रचेष्टा किया था मगर हुआ नहीं, आपको तो हरण कर लिया। तो देखो इसमें ये बात होता है, साधारण लोग ये भावना होता है क्या ना, भगवान वस्त्र हरण किए, ये भगवान लीला विस्तार कर दिए, और इसका महात्म्य क्या, क्या भगवान इसमें दर्शा रहे, क्या शिक्षा दे रहे। बोले कि मैं वास्तव में ये गोपियों को हैरान करना नहीं चाहता था, उनका वस्त्र को हरण करना नहीं चाहता था, मैं क्या प्रकाशित करना चाहता, अभी सारी सारी गोपियों कांतली व्रत कर रहे हैं, व्रत में नियम होता है कि कभी निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। भगवान उसी शिष्या को दे रहे, उसी शिष्या हमारे हृदय में कौन स्थापन कर रहे हैं, हम जड़ बुद्धि में अगर भगवान की लीला को दर्शन करेंगे तो हमें ऐसे ही प्रतीत होगा भगवान तो बड़ा खराब चीज है, अरे वो तो ऐसे कर लिए, वो तो ऐसे कर लिए, भगवान तो उल्टा हाथ में हाँ खा रहे झूठा खा रहे, अरे भगवान तो उल्टा हाथ में भी गिरा को धारण कर दे, हमारे कहाँ वो शक्ति सामर्थ्य है, हम उल्टा हाथ में हाँ भगवान की जैसे ही कार्य स्थापन कर लेंगे। तो ये जो 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 शिक्षा है उसको अगर स्थापन करते हैं कौन ना, केवल केवल ऐसे महापुरुष। तो परम गुरुदेव को बार बार हम श्रवण करें, आचार्य सिंह, आचार्य सिंह ये जो उपाधि उनको दिए
भक्ति सारंग गोस्वामी उनको उपाधि है पाषाण गजई का सिंह। जंगल की सबसे बड़ा पशु कौन है? हाथी। हाथी तो बड़ा होने के कारण बड़ा ही राजा बनते हैं, तो हाथी जंगल की राजा होना चाहिए, मगर जंगल की राजा हाथी है क्या? नहीं, राजा कौन? सिंह। उनका क्या है? ज्यादा उनका बुद्धि है, तो इसीलिए एक सिंह होने पर भी, छोटा होने पर भी वो क्या करता है, हाथी को अपने आहार बना लेता है, उनको मार डालता है। ठीक उसी तरह परम गुरु देवता आचार्य सिंह किसी कार्य में सिंह बोले कि ये मायावाद खंडन करने में सिंह। परम गुरुदेव बोलते कि खरब गाये थे हमारे भक्ति बिहार भारतीयों से हमारे उनके बारे में बोलते क्या रहे जानते हो, तुम्हारे जो गुरुदेव परम गुरुदेव वो तो इतने से छोटे से थे दिखने के लिए, और जब कोई वाणी बोलने शुरू करते थे मायावादी के विरुद्ध में बोले कोई भी मायावादी उनके सामने टिक नहीं पाता था, इसलिए परम गुरुदेव आचार्य सिंह। तो ऐसे ऐसे इसलिए परम गुरुदेव की जीवन चरित्र, और परम गुरुदेव ने क्या किए ना अपनी जीवन दे के क्या किए ना अपने गुरुदेव की सेवा की, बोले कि शिष्य की कमी नहीं, शिष्य की कमी नहीं क्या ना गुरुदेव की सेवा करने के लिए कमी नहीं, मगर उसी शिष्य की कमी जो निष्कपट रूप में गुरुदेव की सेवा करते हैं, उसी शिष्य की कमी जो अपनी जीवन दान करके सेवा करते हैं। आज अगर गौड़िया वैष्णव प्रतिष्ठित थे परम गुरुदेव की चरण में वो आभारी है, बोले क्यों ना वो अपनी जान दे के प्रभुपाद की जीवन रक्षा किए, जो प्रभुपाद इस जगत में शुद्ध भक्ति धारा के प्रभाव को प्रतिवाहित किए, श्रीमन महाप्रभु के जो विचारधारा को इस जगत में स्थापन किए। तो ऐसे ऐसे हमारे परम गुरुदेव। अंतिम में एक बात बोलूंगा कि परम गुरुदेव मूल चैतन्य गौड़े मठ की मैनेजर थे, मैनेजर होने पर जब श्री परम गुरुदेव ने सॉरी प्रभुपाद ने अप्रकट हो गए 1937 में, तो उस समय वास्तव में प्रभुपाद की जितने अंतरंग थे अनुगत थे सुंदरानंद विद्या विनोद आदि, वो हर समय क्या प्रभुपाद की बड़ा घनिष्ठ अंतरंग उनके शिष्य थे, मगर जब श्री प्रभुपाद अप्रकट हो गए वास्तव शिष्य की वास्तव परिचय कब पता चलता है, जब गुरुदेव के अप्रकट होता है, पर वही लोग अत्यंत निजजन होने पर भी वही विचारधारा प्रभुपाद की जो विचारधारा था उसका विरुद्ध आचरण किए, क्या किए बोले यार ये हरिनाम का तो बड़े उच्च स्वर में गाना नहीं है, इसको मन मन में जाप करना चाहिए, और प्रभुपाद ने जैसे संन्यास ग्रहण किए थे अपने गुरुदेव गौर की सदा शिवाजी महाराज के आलेख्य से, वो ये क्या किए ना ऐसे अलग से संन्यास ग्रहण कर ले, तो परम गुरुदेव के ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्यों क्यों आचार्य सिंह थे, बल्कि हम सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, मगर विचार के विरुद्ध अगर कोई गया तो उसको हम कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो परम गुरुदेव ने क्या किया, उनके विरुद्ध में केस दायर कर दिए। तो जब केस कर दिए तो परम गुरुदेव को प्रश्न किया, अरे आप उसके विरुद्ध जा रहे हो जो शिष्य ने प्रभुपाद ने बहुत उपाधि उनको प्रदान की है, उपाधि कौन प्रदान करते, जो खुशी होते प्रदान किए, तो प्रभुपाद जिसके ऊपर बड़ा खुशी थे आप उनके विरुद्ध आचरण कर रहे हो, तो आप वास्तव में प्रभुपाद की विरोधी हो। तो श्री परम गुरुदेव बोलते कि ना ना ऐसा बात नहीं, अरे प्रभुपाद थे कौन, बल्कि प्रभुपाद तो महान पुरुष थे, महाभागवत थे, इसीलिए वो दूसरे की जो गर्व और अभिमान की जो पहाड़ था उसको गिरिराज जैसे दर्शन कर रहे थे, और मैं हूँ कौन ना, मैं भक्त जीव हूँ, इसलिए दूसरे के जो प्रभुपाद जिसको गिरिराज गोवर्धन के रूप में देख रहे थे वो मुझे गिरिराज की जैसे दिख नहीं रहे, मुझे वो गर्व अभिमान के विरुद्ध जैसे ही दिख रहा है, इसलिए मैं अवश्य उनका विरुद्ध में जाऊंगा। तो इसलिए परम गुरुदेव बड़ा आचार्य थे, बड़ा आचार्य इतने सारे आचार्य थे, इसलिए उनको कहा गया आचार्य सिंह। परम गुरुदेव को कोई और दार्शनिक बड़े थे कोई प्रश्न किया, अरे तुम ये गोपाल वालों को सेवा पूजा करते हो, मतलब कृष्ण गाय चलाते थे इसलिए गोपाल वालों को क्रिश्चियन ने प्रश्न किए थे, तो परम गुरुदेव उसका बात को खंडन करने के लिए बोले कि भैंस पालन करने वाले से गोपाल वाला जो गाय पालन करता है उसे श्रेष्ठ होता है, भेड़ पालन जो करता है उससे गाय के पालन करता बड़ा अच्छा है। तो एक ही बात में उनका वो वाणी को खंडन कर देके से, हमारे जो गाय होता है हमारा माँ